हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपको फ्रेंड रिक्रूटमेंट निकली हुई है ऑन द पोस्ट ऑफ कैशियर, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जॉब्स है वो टोटली कैश ऑपरेशन में रहेगी एंड आपकी फ्रेंड ग्रेड ऑफिसर की रहेगी। हम बात करेंगे फ्रेंड इस जॉब वैकेंसीज के बारे में डिटेल में, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए किसी भी डाउट्स को मुझसे पूछने के लिए, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए जॉब वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन जरूर कर लें। अभी फ्रेंड इसको अप्लाई करने की लिंक आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी, क्योंकि ड्यू टू कॉपीराइट एंड कंटेंट कंपनी जो है कॉपीराइट दे देती है इस वीडियोस के कारण, इनके साइट के कारण, तो आपको अप्लाई करने की लिंक मिलेगी इंस्टाग्राम पर। अगर कॉपीराइट नहीं मिलता है तो आपको आफ्टर 7 डेज आपको अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं फ्रेंड कि आपको रिक्रूटमेंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ऑफिसर कैश ऑपरेशन में आपकी जॉब की जॉब रहेगी फ्रेंड, ठीक है, आपकी ग्रेड ऑफिसर की रहेगी। जॉब जो है फ्रेंड वो टोटली आपको ऑपरेशन है, कोई भी यहाँ पर सेल्स एंड टारगेट नहीं है, ठीक है। बात करें फ्रेंड जॉब की लोकेशन की, तो आपको जॉब की लोकेशन मुंबई में रहेगी। शेड्यूल्ड फुल टाइम है फ्रेंड, आपको एम्प्लॉय स्टेटस परमानेंट है, आपकी परमानेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब है, और आपको मुंबई में जॉब की लोकेशन रहेगी ऑपरेशन फील्ड में, राइट। ये जो आपको जॉब है फ्रेंड वो आपको अपडेट हुआ है 30th July 2021 को, और फ्रेंड ये जॉब जो है वो अनपोस्ट हो जाएगा, मतलब कि ये एक्सपायर हो जाएगा 14th August 2021, ठीक है। आपके पास 14 डेज का टाइम है अप्लाई करने के लिए, राइट। ये फ्रेंड आपको, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल में इस बैंक के बारे में, एंड नीचे फ्रेंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सेम वही है जो एक कैशियर काम करता है बैंक में, ये यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं आकर के अच्छे से डिटेल में। बात करते हैं फ्रेंड कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर दिया हुआ आपको, इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड कि यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड सिस्टम, आपके पास बैंक का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बैंक काम करता है। और आपने कोई कोर्स किया है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेजुएट को मांगा गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड आप इंटरेस्टेड हैं एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आपको अप्लाई लिंक चाहिए इंस्टाग्राम पर, आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी के लिए कुछ दिन के बाद जब कॉपीराइट इस पर नहीं आती है तो फ्रेंड आपको मैं अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।